माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस वीडियो में हम सीखेंगे सब टोटल फंक्शन के साथ वीलुकअप फंक्शन का उपयोग करना। यहां पर ये हमारे पास एक सेल्स डेटा है जिसमें रीजन, प्रोडक्ट कैटेगरी और सेल्स वैल्यूज दी गई हैं, और यहां पर एक ड्रॉपडाउन लिस्ट है जिसमें कुछ फंक्शंस दिए गए हैं जैसे एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन और सम फंक्शन। इस ड्रॉपडाउन लिस्ट में से जिस भी फंक्शन को हम यहां पर सिलेक्ट करेंगे वही फंक्शन इन सेल्स वैल्यूज के लिए अप्लाई हो जाएगा। जैसे अभी हम यहां पर सिलेक्ट करेंगे सम, तो आप देख सकते हैं इन सेल्स वैल्यूज का सम यहां पर आ गया है 4150। किसी अन्य फंक्शन को सिलेक्ट करेंगे, जैसे हम यहां पर सिलेक्ट करेंगे एवरेज, तो यहां पर एवरेज आ गया है। अब हम यहां पर सिलेक्ट करेंगे मैक्स, तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू यहां पर आ गई है। अब यहां पर मान लीजिए हम सिलेक्ट करेंगे काउंट, तो आप देखेंगे यहां पर इन वैल्यूज का काउंट आ गया है। इसके लिए हमने यहां पर सब टोटल फंक्शन के साथ वीलुकअप फंक्शन का उपयोग किया है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। हमने यहां पर सेम डेटा लिया है, आपके पास कोई अन्य डेटा भी हो सकता है। पहले स्टेप में हम यहां पर इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और होम टैब के अंतर्गत मर्ज एंड सेंटर पर जाकर मर्ज कर देंगे, तो ये सेल्स यहां पर मर्ज हो जाएंगी। अब यहां पर हम सेल में कलर इफेक्ट दे देंगे। इसके लिए सेल को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहां फॉर्मेट सेल्स पर क्लिक करेंगे, यहां फिल पर क्लिक करेंगे और यहां फिल इफेक्ट्स पर क्लिक करेंगे। यहां कलर टू में हम कलर सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी कलर हम रखना चाहते हैं सेल में। तो यहां पर हम सिलेक्ट करेंगे ये कलर लाइट ब्लू और यहां से ओके करेंगे, यहां से भी ओके करेंगे, तो सेल में इस तरह का इफेक्ट आ जाएगा। अब यहां होम पर जाएंगे, बॉर्डर्स पर क्लिक करेंगे, यहां पर ये थिक आउटसाइड बॉर्डर्स पर क्लिक कर देंगे तो इसमें बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा आउटसाइड बॉर्डर। फॉन्ट साइज हम यहां पर इसमें रखेंगे 20, तो यहां 20 पर क्लिक कर देंगे, बोल्ड रखेंगे। अब यहां पर हमें एक टेबल बनाना होगा जिसमें फंक्शन नेम और इंडेक्स नंबर्स दिए गए होंगे। आपने देखा होगा सब टोटल फंक्शन के अंतर्गत सभी फंक्शंस के अलग अलग इंडेक्स नंबर्स होते हैं, जैसे एवरेज के लिए 1 होता है, काउंट के लिए 2 होता है, मैक्स के लिए 4 होता है, मिन के लिए 5 होता है और सम के लिए 9 होता है। ये हम यहां पर सब टोटल अप्लाई करके देखेंगे इंडेक्स नंबर्स को। तो यहां पर हम इक्वल प्रेस करेंगे और सब टोटल टाइप करेंगे। ये देखिए सब टोटल फंक्शन यहां पर है, डबल क्लिक करेंगे तो आप यहां पर सब टोटल फंक्शंस के इंडेक्स नंबर्स को देख सकते हैं। तो यहां पर हम टेबल क्रिएट कर लेंगे जिसमें एक कॉलम में फंक्शन नेम और दूसरे कॉलम में इंडेक्स नंबर्स होंगे। तो यहां पर हम फंक्शन नेम टाइप करेंगे, एवरेज के लिए हम यहां पर शॉर्ट में एवीजी टाइप करेंगे, काउंट, मैक्स, मिन और सम फंक्शन। अब यहां पर हम इनके इंडेक्स नंबर्स को टाइप कर लेंगे, जैसे एवरेज का इंडेक्स नंबर है 1, काउंट का इंडेक्स नंबर है 2, मैक्स का इंडेक्स नंबर है 4, मिन का इंडेक्स नंबर है 5 और सम का इंडेक्स नंबर है 9। अब इन फंक्शंस के लिए हम यहां पर एक ड्रॉपडाउन लिस्ट क्रिएट कर लेंगे। इन सेल्स को हम यहां पर सिलेक्ट करेंगे, होम पर जाएंगे, यहां मर्ज एंड सेंटर पर जाकर मर्ज कर देंगे। यहां पर हम टाइप कर देंगे सिलेक्ट फंक्शन। अब इन सेल्स को हम यहां पर सिलेक्ट करेंगे और इन्हें भी मर्ज कर लेंगे। यहां पर कोई भी हम कलर ले लेंगे, ये कलर ले लेंगे, फॉन्ट रखेंगे हम वाइट, बोल्ड कर लेंगे, दोनों सेल्स को सिलेक्ट करके बॉर्डर अप्लाई कर लेंगे, ये थिक आउटसाइड बॉर्डर हम अप्लाई कर लेंगे। इस सेल में हम ड्रॉपडाउन लिस्ट क्रिएट कर लेंगे। ड्रॉपडाउन लिस्ट क्रिएट करने के लिए सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहां डेटा टैब पर जाएंगे और यहां पर देखिए डेटा वैलिडेशन वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे तो डेटा वैलिडेशन की इस तरह की विंडो यहां पर आ जाएगी। अलाउ में हम लिस्ट पर क्लिक करेंगे और सोर्स बॉक्स में हम यहां पर सेल रेफरेंस दे देंगे। तो इसके लिए हम यहां पर इन रेंज को सिलेक्ट कर देंगे जिनमें हमने फंक्शंस को टाइप किया हुआ है और यहां से ओके करेंगे तो सभी फंक्शंस के लिए यहां पर ड्रॉपडाउन लिस्ट क्रिएट हो गई है। तो यहां पर हम किसी एक फंक्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। अब इस वीडियो का जो मेन पार्ट है
इंपॉर्टेंट पार्ट वो आता है कि हम सब टोटल फंक्शन के साथ VLOOKUP फंक्शन का उपयोग कैसे करेंगे, क्योंकि हमें आउटपुट इस सेल में चाहिए तो इस सेल को हम सिलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम VLOOKUP फंक्शन यहां पर अप्लाई करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, VLOOKUP टाइप करेंगे। ये देखिए VLOOKUP फंक्शन यहां पर आ गया है, डबल क्लिक करेंगे। VLOOKUP फंक्शन का फर्स्ट आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू, इसके लिए हम यहां पर ये ड्रॉप डाउन लिस्ट वाली सेल को सिलेक्ट कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट आर्गुमेंट है टेबल अरे, इसके लिए हम यहां पर ये जो हमने टेबल डिजाइन किया है इसको सिलेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमें फंक्शन का जो इंडेक्स नंबर है वो सर्च करना है। कौन से फंक्शन का? जो यहां ड्रॉप डाउन लिस्ट वाली सेल में है। अब कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट आर्गुमेंट है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी वो इंफॉर्मेशन जिसे आप सर्च कर रहे हैं वो कौन से कॉलम में है। हम यहां पर फिलहाल सर्च कर रहे हैं इस फंक्शन का इंडेक्स नंबर जो ड्रॉप डाउन लिस्ट में सिलेक्टेड है, और वो इंडेक्स नंबर है यहां पर दूसरे कॉलम में। तो यहां पर हम टाइप करेंगे 2 कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो मिन फंक्शन है इसका इंडेक्स नंबर यहां पर है 5, तो यहां पर 5 आ गया है। सेल को सिलेक्ट करेंगे और सेंटर में अलाइन कर लेंगे। अब यहां से जिस भी फंक्शन को हम सिलेक्ट करेंगे उसी फंक्शन का इंडेक्स नंबर यहां पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे हम यहां पर सिलेक्ट करेंगे सम, तो आप देख सकते हैं सम फंक्शन का इंडेक्स नंबर है 9, वो यहां पर रिफ्लेक्ट हो गया है। अब ये फंक्शन यहां इन सेल्स वैल्यूज के लिए कैसे अप्लाई होगा, उसके लिए हम यहां पर VLOOKUP से पहले सब टोटल फंक्शन अप्लाई करेंगे। तो सेल को सिलेक्ट करेंगे और F2 प्रेस करके फंक्शन विजिबल करेंगे। तो यहां VLOOKUP से पहले हम सब टोटल फंक्शन अप्लाई करेंगे, सब टोटल टाइप कर देंगे। ये देखिए सब टोटल फंक्शन यहां पर आ गया है, डबल क्लिक करेंगे। अब जो सब टोटल फंक्शन का जो फर्स्ट आर्गुमेंट है कि हमें वहां पर फंक्शन का इंडेक्स नंबर देना होता है, वो काम यहां पर VLOOKUP करेगा। VLOOKUP हमने यहां पर पहले से ही लगाया हुआ है। अब हम यहां पर कॉमा लगाएंगे। अब यहां पर सब टोटल फंक्शन का जो नेक्स्ट आर्गुमेंट है रेफरेंस, यानी वो रेंज जिनके लिए आप इन फंक्शंस को अप्लाई करना चाहते हैं। तो क्योंकि हमें यहां पर ये फंक्शंस अप्लाई करने हैं सेल्स वैल्यूज के लिए, तो हम यहां पर सेल्स वैल्यूज वाली रेंज को सिलेक्ट कर देंगे। तो यहां से हमने इन सेल्स वैल्यूज वाली रेंज को सिलेक्ट कर दिया है। अब सब टोटल फंक्शन के लिए हम यहां पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो देख सकते हैं आप यहां पर इन सेल्स वैल्यूज का सम आ गया है, क्योंकि ड्रॉप डाउन लिस्ट में सम सिलेक्टेड है। यहां से हम किसी अन्य फंक्शन को चेंज करके देखेंगे, मिन को करेंगे सिलेक्ट। तो आप देख सकते हैं यहां पर इन सेल्स वैल्यूज का मिनिमम वैल्यू यहां पर आ गया है। किसी भी फंक्शन को हम यहां पर सिलेक्ट करेंगे वही वैल्यू यहां पर आ जाएगा। एवरेज यहां पर आ गया है, काउंट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इन सेल्स वैल्यूज का काउंट यहां पर आ गया है। आप चाहें तो इस टेबल को यहां से हाइड कर सकते हैं। इनके फॉन्ट के कलर को हम यहां पर वाइट कर देंगे तो ये रेंज यहां से हाइड हो जाएंगे। तो इस तरह से आप VLOOKUP फंक्शन के साथ सब टोटल फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।